देश भर के ट्रांसपोर्टरों और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। तमाम यूनियन के लोग चक्का जाम की लगातार अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं गाजियाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। किसी को अपने घर जाना है तो किसी को अपने ऑफिस, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। गाजियाबाद में बस अड्डे पर तमाम सेवाएं बंद है। दरअसल केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, जिसके विरोध में तमाम बस और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि इस तरह के कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है। वहीं यात्रियों का कहना है कि हड़ताल होने के बाद पब्लिक बहुत परेशान है। जो ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं वो दुगने पैसे की मांग कर रहे हैं। देश में लागू नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं देश भर में ट्रांसपोर्ट यूनियन नए भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। विशेष रूप से यूनियनों ने नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले के संबंध में प्रस्तावित कड़े प्रावधानों को लेकर चिंतित है। कुछ यूनियनों ने तो इसे कठोर कानून करार दिया है। उन्होंने कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हिट एंड रन कानून। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामले के नए प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई आरोपी ड्राइवर सड़क हादसे के बाद अधिकारियों को बिना सूचना दिए दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी, साथ ही जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। नए कानून को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला, लापरवाही से मौत का कारण। अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं है, उसे अधिकतम 5 साल की जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दूसरा, कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है, साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा समय में पहचान के बाद हिट एंड रन मामले के आरोपियों पर धारा 304(1) के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल की सजा होती है।